उधर महाराष्ट्र में इन दिनों एनसीपी संकट के दौर से गुजर रही एनआईए एंटीलिया और सचिन वाजे मामले की जांच कर रही पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यहां राजनीति के माहिर शरद पवार अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की सत्ता में बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सूत्रों के माने तो एनसीपी के दो दिग्गज नेताओं की गुजरात के एक बड़े व्यापारी के साथ अहमदाबाद में मुलाकात हुई और ये मुलाकात शुक्रवार शाम को हुई। माना जा रहा है कि एनसीपी के दोनों नेताओं और गुजरात के व्यापारी के बीच यह एक डिनर डिप्लोमेसी थी, लेकिन इस मुलाकात को लेकर अटकलों का बाजार भी काफी गर्म दिख रहा है। और इस बीच एनसीपी के दो सीनियर नेताओं ने शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि जिस गुजराती व्यापारी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी उसे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में से एक माना जाता है। तो यहां अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में चल रहे राजनीति संकट के बीच मुमकिन है कि कोई उलटफेर हो सकता है। और ये भी अटकलें थी कि शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।